दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। अक्सर अमीर लोग अपना पैसा महंगे शौक या ऐशो आराम में लगाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ अमीर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पैसा ऐसे बेतुके कामों में खर्च कर दिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब इस अमीरजादे को ही देख लीजिए। इन महाशय की बेटी को सर्दी लगी तो इन्होंने करोड़ों रुपए जलाकर अपनी बेटी की सर्दी दूर की। यूं तो आपके पास पैसा हो तो उसे खर्च करके आप अपनी लाइफ की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, और अक्सर आपने देखा भी होगा आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, तमाम ऐशो आराम। हालांकि किसी जमाने में हर सप्ताह 42 करोड़ डॉलर करीब 2,814 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले कोलंबिया के कोकीन किंग पोब्लो एस्कोबार ने अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए 13 करोड़ रुपए की कीमत के नोटों को आग लगा दी थी। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। ये किसी भी तरह की काल्पनिक घटना नहीं है, ये हकीकत है। और इस बात को पब्लो एस्कोबार के बेटे ने कहा था, वो भी एक इंटरव्यू के दौरान। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका परिवार पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक छिपा हुआ था क्योंकि पुलिस का डर था, लेकिन एक रात पब्लो की बेटी को ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया, इसको जरा आसान शब्दों में समझिए, ठंड की वजह से शरीर का तापमान जिसमें तेजी से गिरता है जब आपको किसी गर्म चीज की जरूरत होती है, ये बीमारी उसे हो गई। इसलिए उन्होंने बेटी को बचाने के लिए 20 लाख डॉलर में आग लगा दी ताकि बेटी के शरीर का तापमान नॉर्मल हो सके। ये एक सच्ची घटना है जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो इस कहानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही वो पूरी तरह से कोकीन किंग हो और कोलंबिया की पुलिस उसे ढूंढ रही हो, लेकिन वो पिता बेहतर था जिसने अपनी बेटी की सेहत के आगे करोड़ों रुपए में आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।